कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल बेलोजिजम सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और साधिएगा बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस कर दें एम सॉरी टुडे मुझे कुछ फ्लू की वजह से आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है बट आई एल ट्राई माई बेस्ट के मैं स्लो स्लो बोलूं और इसके साथ साथ जितने भी क्लियर हैं वर्ड हैं इसके अंदर आने वाले uh, जिसमें कुछ टेक्निकल टर्म हैं उनको क्लियर करते चलूँ सो so, आज का सेशन जो है या आज का वीडियो ट्यूटोरियल जो है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइलम के बारे में है जी फाइनल फाइलम एनालिडा जैसा कि हम पढ़ते आ रहे थे अस्कल लास्ट हमारा वीडियो ट्यूटोरियल था जिसमें हमने अस्कल के बारे में पढ़ा है सो so, उससे नेक्स्ट जो फाइलम है इस फाइलम के अंदर हमें सिलोम की फॉर्मेशन जो है वो नजर आएगी सो so, जो एनलिडा है दैट इज ड्राइड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसको हम एनुलस कहते हैं और एनुलस आप देख सकते हैं जी यहाँ पे बेसिकली uh, इसका मतलब होता है लिटिल रिंग तो इसके अंदर बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी जो फॉर्म है वो रिंग की फॉर्म हमें नजर आती है ऑब्वियसली हैव द किंगडम एनमीलिया एंड देन हैबिटेट के हवाले से हम बात करेंगे तो इसमें मोस्टली जो है वो इक्वेटिक है और इनमें से कुछ जो हैं वो हमें ट्रिस्टियल फॉर्म में भी नजर आते हैं अगर हैबिट, हैबिट के बारे हम बात करेंगे तो लास्ट जितने भी हमने फाइलम पड़े हैं दो मेनली वो दोनों जो थे वो पैरासिटिक इन नेचर थे लेकिन ये जितने भी एनालिडा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे दे आल आर फ्री लिविंग सो इनको रहने के लिए किसी किस्म के होस्ट की जो है वो जरूरत नहीं होगी सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री है अब आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे सबके ऑर्गेनिज्म के अंदर बायलैटरल बायलैटरल सिमेट्री जो है वो हमें देखने को मिलेगी अब बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है ऐसी सिमेट्री जिसके अंदर बॉडी के अंदर सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो विद इन अ मिरर फॉर्म जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि एक साइड पे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं दूसरी साइड पे उतने ही uh, या स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं सिलोम के हवाले से बात करेंगे तो इनकी बॉडी जो है वो सिलोम मौजूद होती है इसी वजह से हम इन्हें सिलोमेट कहते हैं सिलोमेट का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी के अंदर ट्रू ट्रू कैविटी ट्रू कैविटी नेम एज ट्रू सिलोम वो एग्जिस्ट कर रही होती है तो बज दफा ऐसा होता है कि ये ट्रू सिलोम जो है ये थ्रू सेप्टा क्या कहते हैं डिवाइड होती है तो इसलिए हम इसको बाजफा इंटरनल डिवीजन की वजह से सेप्टेटेड सिलोम भी कहते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं एक और बात करूं जो लास्ट पे हमारा जर्म लेयर का पॉइंट है तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर ब्लास्टिक ट्रिप्लो ब्लास्टिक का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर तीन लेयर जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। सो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर आपको रेड कलर में जो दिखाई गई है दैट इज एन एक्टोडर्म उसके साथ साथ जो आपको ब्लू कलर में बीच में दिखाई जा रही है दैट इज अजोडर्म और उसके साथ साथ ये जो नीचे आपको थर्ड ले रही है अब उसके साथ साथ यहां आपको जो कनेक्शन नजर आ रहा है कनेक्शन बिटवीन मिजोडर्म एंड एंडोडर्म दैट इज आल्सो नेम्ड एज मिजेंटर ये मिजेंटर जो है इसका काम होता है बेसिकली लिंक बिटवीन एंडोडर्म एंड मिजोडर्म और उसके साथ साथ ये जो आप जितना आपको वाइट एरिया नजर आ रहा है इज अ ट्रू कैविटी और इस कैविटी को हम नाम देते हैं जी सिलोम का तो दिस इज दिसोम प्रेजेंट इन फ़ाइलम एनालिडा दैन जी बात की गई है बॉडी इज सेगमेंटेड तो जितने भी एनालिडा uh, के अंदर ऑर्गेनिज्म आएंगे सब के सब जो है इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट बनते हुए नजर आएंगे जैसे अगर हम ऊपर ये इनका एक डायग्राम दिखा रहा है जिसमें इसके माउथ को लेबल किया गया है उसके साथ साथ हेड एंड लेबल किया गया है देन इनके अंदर एक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम स्लेटियम कहते हैं ये भी यहाँ पे लेबल किया गया है उसके बाद यहाँ पे जो है वो सेगमेंट फर्मेंटेशन होती है और ये सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिकली सेगमेंट कहते हैं एंड देन इनके बाद ये जो टेल एंड है इसको भी एक स्पेसिफिक नाम देते हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे पैरापोडिया बेसिकली

अब इनकी बॉडी जैसे हमने ऊपर देखा है कि हेड रीजन था देन सेगमेंटेड रीजन था और उसके साथ साथ देन जो है वो टेल एंड था तो इनकी बॉडी को थ्री सेपरेट सेक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और जो पहला हमारे पास सेक्शन होता है वो लाए करते हैं देन उसके बाद ट्रंक होता है जो हमने ट्रंक देखा है जिसमें सेडल एक स्लेटलियम बेसिकली हमने देखा है वो ट्रंक रीजन में आता है एंड देन थर्ड रीजन जो होता है जिसे हम पाइडियम कहते हैं या पाइडियम कहते हैं ये बेसिकली लास्ट पे थर्ड लेयर जो है सॉरी थर्ड पार्ट जो है या थर्ड सेक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है जिसके अंदर टेल एंड आता है मेनली देन जी आगे हम मूव करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि आपको बताया है कि इनके अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिक ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है तो इनके अंदर डिवेलपे uh, जो है डाइजेस्टिव uh, सिस्टम है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है देन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू बॉडी सर्फेस होता है और मेनली इनके अंदर जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट होता है nervous system है तो इंटर इसके अंदर नर्वस सिस्टम में कुछ नर्व कार्ड्स भी मौजूद होती हैं और इसके साथ साथ नर्व नेटवर्क भी मौजूद होता है सो so, इंटीरियर जो बेसिकली ये नर्व क्या कहते हैं इंटीरियर नर्व यहाँ पे होती है उसके साथ साथ यहाँ पे गेंग्लिया भी एग्जिस्ट करते हैं अब गेंगलिया क्या होता है जैसा कि हमने हाइड्रा के केस में पढ़ा था कि हमारे पास जो नर्व नेट है वो बाजफा एक जगह पे स्कैटर क्या कहते हैं कंडेंस हो जाता है और नर्व सिस्टम बनाने की कोशिश करता है इस तरह के रीजन को हम गेंगलिया कहते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे वेंट्रल नर्व कार्ड भी एग्जिस्ट करती है अब वेंट्रल नर्व कार्ड क्या होती है जी अलांगेटेड बॉडी के अंदर जो टूवर्ड टेल एंड एक नर्व नेटवर्क की लेयर जाती है या एक नर्व नेटवर्क की ट्यूब जाती है उसे बेसिकली हम वेंट्रल नर्व कार्ड कहते हैं तो वो भी इनके अंदर पाई जाती है Then, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखेंगे तो हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि जो ब्लड का फ्लो है वो विद इन द वेजल जो है वो क्या कहते हैं रहता है मेंटेन होता है देन एक्सक्रीशन देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक का जो है फोन मौजूद होता है जिसे हम नेफ्रीडिया कहते हैं ये जब हम डिटेल के साथ इनके आइकन एनिमल को पढ़ना स्टडी करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे कि इनके अंदर जो एक्सक्रीशन का सिस्टम है वहां पर नेफ्रीडिया मेन तौर पर एग्जिस्ट करता है देन रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन आपने याद रखनी है इनके अंदर हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों कैसे हो सकते हैं गोनोक्रिस्टिक हो सकते हैं गोनोक्रिस्टिक क्या होते हैं ऐसी कंडीशन ग्रोनोरिज्म बेसिकली एक टर्म है बायोलॉजी के अंदर जिसका मतलब ये होता है कि दे आर द यूनिसेक्सुअल आर सेपरेट सेक्स जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और उसके साथ साथ दे कैन आल्सो बी अ हर्माफ्रोडिटिक इन नेचर हर्माफ्रोडिटिक ऐसा केस होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दोनों सेक्सेस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं देन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल भी मौजूद होती है और इंटरनल भी मौजूद होती है अगर हम जा, आगे जा के देखेंगे के इन जो है, उनके अंदर की बात करेंगे तो डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होती है और कोई भी लार्वा स्टेज जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती तो ये इनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जी अब हम बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मेनली तौर पर इनके जो क्लासेस सॉरी क्लासिफिकेशन है फोर मेन क्लासेस हैं जी और क्लासेस की जो बेसिस है वो सैटी के बेस पे है अब सैटी क्या होते हैं बेसिकली इनके जो फ़ूट होते हैं जो इनको एंकरिंग में हेल्प करते हैं उनको हम सैटी कहते हैं देन दे uh, दूसरा जो ऑप्शन है जिसकी बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम पैरापोडिया कहते हैं पैरापोडिया इज बेसिकली आउट ग्रोथ फ्रॉम द टेल एंड जिसकी बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है मेटिमर बेसिकली uh, सेगमेंट होते हैं जो कि इनकी बॉडी के अंदर नजर आते हैं तो इसकी बेसिस पे मेन ये तीन हमारे पास फीचर हैं और बाकी भी मार्फोलोजिकल फीचर्स हैं लेकिन मेन जो है हमारे पास ये तीन फीचर हैं जिनकी बेसिस पे हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन uh, करते हैं फाइलम एनालिडा के अंदर फोर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है जी हमारे पास पहली क्लास जिसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं दैट इज जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है है इनकी पहली क्लास है, अब पोली कीटा जो होते हैं वो हेयर के होते हैं तो पोलीकेटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं इन सब के ऊपर हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे नजर आते हैं तो इसी वजह से हम इसे नाम देते हैं जी पोलीकीटा का अब पोलिकटा जो है दैट कुड बी मैरिन उसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ ये फ्रेश वाटर के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं देन आर्किटाइपिकल प्रोटोस्टोम है अच्छा दो आर, दो तरह के आर्गेनिज्म होते हैं जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं। एक हमारे पास होते हैं जी प्रोटोस्टोम uh, मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिख सकूँ प्रोटोस्टोम अल्ट्राई में बेस्ट के यहाँ पे लिखा जा सके जी चलें Hopefully I होप फुली आई if we If we शह we यू बिलीव दैट वी कैन डू इट ऑलमोस्ट देन सेकेंड है जी, Already, आप जानती होंगे जी आ, आ, जो बियोलॉजी के स्टूडेंट हैं होपफुल उन्होंने तो इसके बारे में पढ़ लिया होगा और जोलो जो जो, जो लोग जोलॉजी पढ़ रहे हैं वो तो डिटेल से इनको पढ़ चुके होंगे और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं अगर आपने किंगडम का चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट ईयर के, के अंदर तो वहां पे हमें इन दोनों का देखने को जिक्र मिलता है प्रोटोस्टोम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जब ग्रोथ हो रही होती है तो जो इनका आ, पोर बनता है जिसे हम ब्लास्टो पोर कहते हैं उससे माउथ की फॉर्मेशन करते हैं इन इनसे क्या होगा माउथ की फॉर्मेशन होगी जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो ब्लास्टोपोर बनता है ड्यूरिंग ग्रोथ तो उससे अगर माउथ की फॉर्मेशन हो तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटोस्टोम कहते हैं और अगर ब्लास्टोपोर से एनल फॉर्मेशन हो फर्स्ट टाइम पे तो उससे हम बेसिकली ड्यूट्रोस्टोम कहते हैं जितने भी कॉर्डेट हैं मैमल हैं, ये आगे हम जाके पढ़ेंगे ये सारे के सारे ड्यूट्रोस्टोम होंगे लेकिन एनलिडर जो है ये हमारे पास प्रोटोस्टोम ऑर्गेनिज्म है तो इनके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होगा ब्लास्टोपोर से बेसिकली फर्स्ट टाइम जो हो वो जो होगी होगी वो वो माउथ की होगी देन इसके साथ साथ यहाँ पे से लिए एक वर्ड लिखा गया है इसको मैं क्या कहते हैं समझाता हूं जैसे एक वर्ड की अग, 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 अगली लाइन में ये बात की गई है कि ये आपके पास ट्रूसलोमेट होते हैं मीन इनकी बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमें कैविटी सी जो है वो नजर आ रही है अगर आप यहां पे गौर करें ये कौन सी एग्जाम्पल है इसको हमें आगे आगे देखते हैं ये बेसिकली है तो यहाँ पे ये देखे कैविटी नजर आ रही है तो इस कैटी हमको, हमको कहते हैं कि ये ट्रू स्लोमेंट है इसके साथ एक आगे ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है जो कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो वर्ड है अगर इसको मैं थोड़ा सा कलर करके आपको क्लियर करूं तो ये लिखा गया है जी शीजोसिलोमेट्स अब शीजोसिलोमेट्स क्या होते हैं जी शीजोसिलोमेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि जिनकी बॉडी कैविटी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और मेस्कुलेचर जो मसल्स होते हैं बॉडी के उनके दरमियान मौजूद होती है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम शीजोसिलोमेट कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सिलोम डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी के मसल्स के जो आ, लाइनिंग है उनके दरमियान मौजूद होगी तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम शीज़ोसिलोमेट कहते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बेसिकली डाउनवर्ड ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसके ऊपर ये जो हमें दिखाई गई है ये बेसिकली स्लोम दिखाई गई है और देन उसके ऊपर क्या है मसल uh, लेयर uh, जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है देन इनकी भी हमारे पास जो सिमेट्री होती है वो बाइलेट्रल होती है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्लोज सर्कुलेटर सिस्टम होता है वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम यहाँ पे मिलता है एक्सक्रूटरी सिस्टम जो है यहाँ पे हमें मेटानफ्रीडिया और प्रोटोनफ्रीडिया जो है वो दोनों देखने को मिलते हैं अच्छा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है करेक्टरिस्टिक्स में कि इनकी जो एक्सक्रीशन है उसका सिस्टम जो है उसके अंदर मेनली नेफ्रीडिया एग्जिस्ट कर रहा होता है अब नेफ्रीडिया के दो टाइप्स हैं एक मेटानफ्रीडिया है और एक प्रोटोनफ्रीडिया है तो एक डिवेल्प फॉर्म है और एक लेस डिवेल्प स्ट्रक्चर है दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे देन इसके साथ लेटरल एपिडर्मल एपिडर्मल सेटी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं सेटी बेसिकली इनकी जो एफ एंकरिंग के लिए फुट के तौर पर वर्क करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं तो वो हर सेगमेंट के साथ यहाँ पे नजर आते हैं उसके साथ साथ दे देस मीन के इनके अंदर यूनिसेक्सुअलिटी भी पाई जा सकती है और इसके साथ साथ ये हर्माफोरोडिक भी इन नेचर होते हैं और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होती है एग्जांपल के तौर तो पर जी यहाँ पे सैंड वर्म और इसे हम नेरेसिस कहते हैं ये आपके सामने है जी ये नरेसिस की ग्राफ जो है वो आपको दिखाया जा रहा है और उसके साथ साथ इसके साथ सिलेस है तो ये आपके सामने जी सिलेस दिखाई गई है जिसके अंदर मैं कैविटी को एक्सप्लेन कर रहा था एंड देन उसके साथ सेबीला जो है वो हमें देखने को मिलता है तो सैबिला जो है इनकी एक ऐसी एग्जाम्पल है जो कि टोटली मैरीन है सेबीला इज ऑल्सो अ फुटबॉलर एंड इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीकेट सो डोंट मिक्स बोथ अ फुटबॉलर विद अ वर्म सो आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्म सेबेला एंड दैट इज फ्रॉम पॉलीकेटा तो यहाँ पे आप होली आप ये क्लास क्लियर हो चुकी होगी हम आगे मूव करते हैं जी क्लास नंबर टू की तरफ और जो इनकी दूसरी क्लास है दैट इज ओलिगियो चेटा जिनके अंदर कॉमन के पढ़ते हैं तो ये इसके अंदर होती है जी अब ओलोग्योस जो है इस ये फ्यू को कहते हैं और कैट जो है इसका मतलब हेयर है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो मौजूद होंगे लेकिन वो फ्यू इन नंबर होते हैं अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मेनली जो है ट्रिस्टियर हमें नजर आते हैं जैसे हमारे पास अर्थवर में ट्रिस्टियर है और उसके साथ साथ यहाँ पे फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं इनकी बॉडी भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है जैसे मैं ऊपर बयान एक्सप्लेन करके आया हूं देन यहाँ पे सेलेटिलम जो है वो प्रेजेंट होता है सेलेटिलम एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि ट्रंक रीजन में मौजूद था तो यहाँ पे ओलिग्यो कैटा के, के अंदर हमें सलेटलम जो है वो देखने को मिलता है उसके साथ ये आर हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट मीन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके ऊपर दोनों सेक्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होती है वो हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती देन इनके अंदर भी फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है और कोकोन फॉर्मेशन अक्सर होती है कोकोन बेसिकली आप जैसा कि आप जानते हैं अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है बैक्टीरिया के अंदर उनकी शेप के हवाले से भी हम उनको कॉकोन कहते हैं लेकिन वो एक और चीज है और यहां पे जो कॉकॉन फॉर्मेशन होती है वो और चीज है ठीक है एग्जाम्पल की बात करें तो पेरेथमिया पोस्टिम जिसे हम अर्थवर्म कहते हैं कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने ये दिखाया गया है जी अर्थवर्म उसके बाद लम्ब्रिकस ये भी इनके

और जो आपकी क्लास थ्री है जिसे हम कहते हैं हिरो, हिरोडिनिया। हिरोडिनिया बेसिकली हिरोडो से निकला है और हिरोडो इज अ लीच लीच के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत ओल्ड और एशियन टाइम में ब्लड सकिंग के लिए ये बेनिफिशियल तौर पर भी यूज की जाती रही है लेकिन इनको हम हिरोडिनिया के अंदर यूज करते हैं और आजकल ये यूज नहीं की जाती दे आर प्राइमरली फॉर फ्रेश वाटर और सम जो है इसके अंदर मैरीन भी हो सकती हैं और कुछ ट्रेस्ट्रियल भी हैं और इनके अंदर एक चीज आपने याद रखनी है पैरासिटिक कंडीशन भी पाई जाती है पैरासिटिक कंडीशन यही बेसिकली इनका जो फिनोमिना है जो ब्लड सकिंग का फिनोमिना है इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं दे आर द पैरासिटिक इन नेचर अब इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर डेफिनेट नंबर होते हैं सेगमेंट्स के एक चीज आपने याद रखनी है कि जो लीच uh, है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर मेनली हमें तीन स्ट्रक्चर ही मिलते हैं जैसे ये ट्रंक रीजन होता है ये उसका हेड एंड माउथ होता है और ये उसकी टेल होती है तो दीज आर द थ्री मेन सेगमेंट ऑन द लीच उसके साथ साथ यहाँ पे कोई टेंटिकल्स हमें देखने को नहीं मिलते पेरापोडिया नहीं मिलती और सेटी भी होते वो भी इनके अंदर एबसेंट होते हैं ये जस्ट जिस भी होस्ट के साथ एंकर करना होता है तो ये अपने माउथ जो है उसके साथ ये सक करती हैं और वहां पे एंकर होती है उसके साथ यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट नेचर हमें देखने को मिलती है और उसके साथ साथ फर, जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल नजर आती है और हिरोनिया के अंदर जो एग्जांपल हम पढ़ते हैं वो रोनेरिया होती है जिसे हम कॉमनली लीच के नाम से देखते हैं और यहाँ पे आपको डायग्राम जो है वो दिखाई गई है सो मूविंग अहेड वी हैव द लास्ट क्लास दैट इज आर् एनालिडा अब आर्की एनालिडा के अंदर ये कुछ ड्राउन से जैसे आप ये देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े बालों वाले जो आपको कुछ वर्म नजर आ रहे हैं तो आर्क बेसिकली फर्स्ट को कहते हैं तो यहाँ पे हम इसके बारे में देखते हैं कि इसको फर्स्ट क्यों कहा जाता है दे आर स्ट्रिक्टली मैरीन और एक चीज आपने याद रखनी है मैरीन के साथ साथ ये इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज्यादा लांग होती है और वर्म लाइक होती है जैसे आप देख सकते हैं ये भी आपके सामने एक प्रोटोड्रिलस प्रोटोड्रिलस बेसिकली दिखाया गया है जिसकी बहुत ही इनावेटेड बॉडी है देन ये डाइनोफिलस है और उसके साथ साथ ये

ट्रोपोफोर लार्वा ऐसा लार्वा बनता है जिसकी जो शेप होती है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है ठीक है तो ये आपने याद रखना है दैट इज अ ट्रोपोफोर लार्वा इसको आगे जाके हम हम फर्दर लार्वर की टाइप जो है वो हम पढ़ेंगे और कौन से लार्वा किस फाइलम में कैसे बन रहा होता है इसको आगे हम जाके डिस्कस करेंगे लेकिन अभी आपने याद रखना है कि आर्की एनालिडा के अंदर बेसिकली ट्रोपोफोर लार्वा जो है वो नजर आता है एग्जाम्पल देखें तो जी ये प्रोटोड्रिलस आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है डायनोफिलस यहाँ पे दिखाया गया है और उसके साथ साथ प्रोटोड्रिलस जो है वो यहाँ पे हमें एक और स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी नजर आ रहा है तो प्रोटोडिल्स की बेसिकली दो शेप्स होती हैं एक के अंदर देखें बहुत ज्यादा ये दो शिपीसीज है बेसिकली एक अंदर बहुत ज्यादा इलांगेटेड आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इलांगेटेड उसके ऊपर जैसे फिटी होते हैं बेसिकली फुट होते हैं जैसे सीलिया के बाद हमने की थी तो यहाँ पे ये यह नजर आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज स्ट्रक्चर जो है वो नजर नहीं आ रहा तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्लास एनालिडा होपफुली आज का लेक्चर जो है आज की वीडियो ट्यूटोरियल आपको क्लियर हो चुका होगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करें और मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज